स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा छः से सात के लिए प्रभा कार्य पुस्तिका गणित का आंकलन नंबर बारह तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है दी गई संख्याओं के निकटतम हज़ार से सन्निकटित करना है इसमें क्या हो जाएगा पाँच हज़ार इसका क्या हो जाएगा इक्यासी हज़ार इसका क्या हो जाएगा इक्यानवे हज़ार अगला देखिए दी गई संख्या को निकटतम दशांश तक सन्निकट करें सन्निकटित करना है इसका क्या हो जाएगा एक सौ बत्तीस ख का हो जाएगा तीन सौ अड़सठ पॉइंट दो इसका हो जाएगा पाँच सौ चालीस पॉइंट सात और इसका हो जाएगा सात सौ अस्सी अगला देखिए तीसरा कौन सी संख्या पाँच से, से विभाजित होगी गोला लगाइए जिसके लास्ट में जीरो हो और पाँच हो वैसा भी साठ पिचहत्तर एक सौ पंद्रह सात सौ पचासी पाँच सौ पचपन और चार सौ नब्बे अगला है दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए बत्तीस के गुणज होंगे चौंसठ छियानवे एक सौ अट्ठाईस एक सौ साठ और एक सौ और गुणनखंड होंगे एक चार एक दो चार आठ सोलह और बत्तीस साठ के एक सौ बीस एक सौ अस्सी दो सौ चालीस तीन सौ और तीन सौ साठ गुणनखंड होंगे एक दो तीन चार पाँच छः दस बारह पंद्रह बीस और तीस अगला देखिए निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें इसको सॉल्व करेंगे हम तो जो कॉमन संख्याएँ आ रही हैं तीन 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 तब तो क्या हो जाएगा इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा अगला देखिए महत्तम समाप्त तक याद कीजिए इसके गुनाखन निकालेंगे तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो और एक इसी प्रकार सभी का इसका भी निकालेंगे चौबीस का इन दोनों में से जो दोनों में आ रहे हैं जैसे दो दो आ रहा है तीन बार तो इनको उत्तार देंगे कितना हो गया आठ अगला देखिए छत्तीस का निकालेंगे दो गुना दो तीन गुना तीन इसी प्रकार बेहतर में भी दो गुना दो और दो इसमें भी तीन गुना तीन में आ रहा है तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे दो गुना दो और तीन गुना तीन कितना हो गया छत्तीस अगला देखिए पचास और सौ तक की संख्याओं जो भाज्य नहीं है उन पर गोला लगाइए त्रेपन उनसठ इकसठ सड़सठ इकहत्तर तिहत्तर उन्यासी तिरासी सत्यासी नवासी तिरानवे सतानवे एक सौ एक एक सौ तीन एक सौ सात और एक सौ नौ अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ तीन से विभाजित होती हैं नहीं हमें देखना है पहली वाली होगी फिर नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ फिर हाँ फिर नहीं और इसमें हाँ अगला दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखे और बताए कि ये भाज्य अभाज्य अड़तालीस के गुणनखंड हो जाएंगे एक दो तीन चार छः अठ आठ और बारह भाज्य है पैंतीस एक पाँच सात भाज्य है तिरसठ एक तीन सात नौ भाज्य है सत्तावन एक तीन उन्नीस भाज्य है तो बच्चों ये था हमारा कार्यपत्र आंकलन नंबर बारह जुड़े रहे चैनल से धन्यवाद